देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंचा है। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को बदला है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इतनी बड़ी सत्ता के साथ बीजेपी अगर आई तो वो संविधान को बदल देगा। संविधान को बदलने की बात हो रही है और ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ वर्कर्स या बीजेपी के कुछ फॉर्मर एमपीज उनके ही मुंह से निकली हुई है। देखिए, मैं कतई सहमत नहीं हूं इस बात से। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। इस देश में 80 बार संविधान को नहीं किसी ने बदला है तो कांग्रेस ने बदला है। लोकतंत्र का गला यदि घोटा है तो कांग्रेस ने घोटा है। इमरजेंसी इंपोज की, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया उस समय। इतना ही नहीं, संविधान की जो आत्मा होती है प्रेम्बल, उस प्रेम्बल में भी चेंज यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। अब वो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रेम्बल बनाया था उनकी यह सोच थी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान में छोटे मोटे संशोधन वगैरह सब समय समय पर हुए हैं, 80 बार कांग्रेस ने किया है, लेकिन उसकी प्रेम्बल, उसकी आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, उसको कांग्रेस ने बदला है। अब वो लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं कांग्रेस के दोस्तों से और अपोजिशन के दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश मत करिए। तो आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं अनुराधा प्रसाद के साथ आज रात 9 बजे।